यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशन, एजुकेटर और पूरे एक सिस्टम के लिए, है ना। तो मतलब कह सकते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलमोस्ट आ चुकी है, बिल पास हो चुका है और 2021 तक जहां तक है लागू भी हो जाएगी। तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हैं, या हम कहें आज तक के सबसे बड़े परिवर्तन शायद हम इसमें देख रहे हैं। तो शिक्षक और शिक्षार्थी, है ना, शिक्षा और शिक्षक मतलब टीचर स्टूडेंट, पूरा सिस्टम बिल्कुल एकदम पलटा हुआ कह लीजिए आप, या फिर एकदम उसको बहुत हद तक कह सकते हैं कि प्रभावित होगा ही होगा, है ना। जो मेजर चेंजेस हैं, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम में हो, अब एजुकेशन सिस्टम में या बच्चे की एजुकेशन में अगर परिवर्तन आएगा और शिक्षक की ट्रेनिंग में परिवर्तन नहीं आएगा तो पॉसिबल ही नहीं है फिर तो, है ना। तो चेंज तो जरूरी है ही। तो डिस्कस करते हैं कि क्या, स्पेशली टीचर्स के बारे में भी बात करेंगे, एजुकेशन के बारे में भी बात करेंगे कि क्या स्कूली शिक्षा का क्या हिसाब किताब रहेगा, क्या परिवर्तन रहेंगे, क्या बेहतर है, क्या बेकार है, या फिर कोशिश करेंगे चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखने का बजाय कि अपनी बहुत ज़्यादा राय रखने का, है ना। और टीचर्स के लिए क्या क्या ज़रूरी है, मतलब सब बात कर रहे हैं कि एजुकेशन में ये चेंज हुआ है, अब ये नहीं रहेगा, अब आपका बोर्ड्स में कमी हो गई है, या फिर कहें तो आपकी स्ट्रीम्स हट गई हैं, सारी चीज़ें हैं, बट वो जो टीचर्स हैं वो टीचर्स कैसे बनेंगे। अब जब सिस्टम नया है तो टीचर्स के लिए भी जो तरीका है आने का वो नया होना चाहिए। तो टीचर्स के बारे में बात करेंगे कि क्या कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स रहेंगे या नहीं रहेंगे, जिनको पैरा टीचर्स हम कह रहे हैं, जो टेट है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सभी स्कूल्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, सभी लेवल्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्या ECCE की वैकेंसी बढ़ेंगी, स्पेशल एजुकेशन का क्या होगा, कैसे आपका जो सैलरी से लेके और इलेक्शंस में आपकी ड्यूटी नहीं लगेगी, कितने सारे सवाल हैं हमारे सामने। अगर हम बात करें जो BEd है या डाइट्स हैं, अब खत्म हो जाएंगी, BTC नहीं कर पाओगे, DEd नहीं कर पाओगे, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, ये सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे, जिन पे आप लोगों की कंफ्यूजन कल से ही बनी हुई है। कल शाम ये आई थी, बड़ा डॉक्यूमेंट है, पढ़ने में भी टाइम लगता है और नॉर्मल क्लासेस भी होती हैं, तो मुझे उतनी फुर्सत नहीं हो पाई कि मैं पहले वीडियो बना पाती, और अभी कुछ टेक्निकल ग्लिच था तो उसके चक्कर में थोड़ा सा देरी हुई है, उसके लिए माफी चाहती हूँ, है ना। स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। जो ड्राफ्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 का, वो पिछले साल 2019 में आ गया था 31 मई को, जो कि हमने डिस्कस भी किया था यहीं इस चैनल पर और 3 लाख से ज्यादा लोगों ने वो देखा, है ना। तो डिस्कस करेंगे कि क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्या चेंजेस हैं और टीचर्स के लिए क्या चेंजेस है, अब टीचर कैसे बनेंगे, आप क्या करें जिससे टीचर बन पाए बेहतर तरीके से। तो एक बात तो कहने वाली है कि जिनकी मानसिकता सिर्फ ये थी कि एक नौकरी किसी तरीके से मिल जाए शिक्षक की, और उससे ज्यादा आराम फिर कहीं नहीं है, उन लोगों को बहुत ही धक्का लगेगा, दर्द होगा धीरे धीरे, शायद अगले 1-2 साल में उनको मौका फिर भी मिल जाए, धीरे धीरे करते करते 2030 तक नाक में दम होने वाला है। अगर आप सच में टीचिंग के लिए पैशनेट हैं तो आप रहेंगे, अदरवाइज तो आप सर्वाइव भी करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करते हैं, मैं एक बार देख लेती हूँ आप लोगों के कमेंट्स। मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हूँ, बहुत ज्यादा क्या कहें, एक एनर्जी फील कर रही हूँ इसको पढ़ करके, देख करके चेंजेस को, और ये देखना होगा कि ऑन पेपर्स जितनी बेहतर दिख रही है उतना हम इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं। मैं तो कहती हूँ अगर कम भी हो पाया तब भी बहुत परिवर्तन हो जाएगा, बहुत परिवर्तन हो जाएगा, है ना। और कुछ भी नया आता है तो केओस होता ही है, थोड़ी सी भसड़ होती ही है, अगर मैं कहूँ बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, है ना। तो कोई बात नहीं, थोड़ी भसड़ तो होनी ही है, केओस तो होना ही है, है ना, थोड़ा बहुत तो पंगे होने ही हैं, बट चीजें धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएंगी और अफवाहों से बचें, है ना। स्टार्ट करते हैं, अगर बात करूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो ये तीसरी पॉलिसी है, शिक्षा की नीति है। अगर मैं बात करूं, कमीशन तो बहुत पहले से आते रहे हैं, 49 से ही राधाकृष्णन और दुनिया भर के कमीशन आते थे, बट अगर हम बात करें एजुकेशन पॉलिसी की, शिक्षा नीति की, तो 1968 में जो डॉक्टर डी एस कोठारी, दौलत सिंह कोठारी वाला जो आयोग था 1964-66 का, बेसिकली वो पहली हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी एक तरीके से 68 में मिसेस इंदिरा गांधी के टाइम पर। फिर 86 में आई मिस्टर राजीव गांधी के टाइम पर, 86 में आपकी पॉलिसी आई, और जब से 34 सालों से शायद वही चल रही है, बस उसको रिवाइज कर दिया गया था वो आपकी 1992 में, जब आपका वो आया था लर्निंग विदाउट बर्डन, यशपाल कमेटी का, है ना। तो अगर हम बात करें तो हम बात करते थे स्पेशली 6 से 14 वर्ष की जो एजुकेशन है, 6 to 14 years, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है आपका, वो बात करता है कि फ्री होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए, और अब उम्मीद जताई जा रही है कि धीरे धीरे 3 से 18 वर्ष कर दी जाएगी वो चीज, 6 to 14 की जगह 3 to 18 होने की उम्मीद है। अभी इसमें बहुत सारी बातें हैं जानने को। तो तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है ये कह सकते हैं, और ये बिल पास हो ही चुका है, है ना, बिल पास हो चुका है। इसके अध्यक्ष कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम डॉक्टर डी एस कोठारी को आज तक याद रख रहे हैं, शायद हम आगे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को भी याद रखेंगे। इनकी कमेटी की ये रिपोर्ट है, ये इसरो के साइंटिस्ट हैं और भी बहुत सारे काम इन्होंने किए हुए हैं। ये पिछले साल आया था इसका जो ड्राफ्ट है, और अभी ये बिल पास हो चुका है, फाइनली जाएगा संसद में और
2021 तक जहां तक है मोस्ट प्रोबेबली चीजें लागू हो जाएंगी। ठीक बात हो गई। तो ये थर्ड पॉलिसी हुई 68 और 86 के बाद, इसमें परिवर्तन हुआ था 1992 में। 34 साल बाद हम कुछ परिवर्तन देख रहे हैं एजुकेशन में, इतना बड़ा है ना। अगर देश को आगे ले जाना है या चीजों को बेहतर करना है तो शिक्षा से बड़ा और कोई यंत्र नहीं है, कोई टूल नहीं है ना। देखते हैं फिर, और शिक्षक से बड़ा कोई परिवर्तनकारी नहीं होगा फिर। खैर, एक बहुत सिंपल सी बात कही गई है इसमें, अबाउट 2 crore आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विल बी ब्रॉट बैक इनटू मेनस्ट्रीम अंडर एनईपी 2020 या 2020। यानी कि लगभग 2 crore बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं या ड्रॉप आउट हैं या जो भी एक कारण है एनरोल नहीं हो पाए हैं, उनको वापस लाया जाएगा स्कूल में। जब बच्चे वापस आएंगे तो ऐसे कुछ कीर्तन थोड़े ना करेंगे, पढ़ेंगे, उनके लिए टीचर्स भी चाहिए होंगे। दैट मीन्स स्कूल भी नए बनेंगे या तो बेहतर होंगे पहले से, टेक्नोलॉजी पे काम होगा, टीचर्स पे काम होगा, ज्यादा टीचर्स रिक्रूट होंगे। कितना सारा परिवर्तन है, मतलब कह सकते हैं ये पूरा जो नेक्स्ट 2 decades हैं, लिखा भी हुआ है इसमें कि अगले 20 साल जबरदस्त तरीके से टीचर एजुकेशन पे भी और ये जो पूरा सिस्टम है इसको बिल्ड करने में काम होने वाला है। तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज कम नहीं होने वाली हैं, बेहतर होने वाली हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ने भी वाला है और अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी खुलने वाली हैं, है ना। तो इस चीज को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे कि अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं होने वाली है ना, बदलाव अपॉर्चुनिटी भी तो लेके आता है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और चीजों को। भाई कोरोना अगर परेशानी है किसी के लिए तो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। तो इन द सेम वे चेंजेस हैं और बेहतरी के लिए ही किए जाते हैं चेंजेस, बट परिणाम तो देखे जाएंगे। देखिए एक बार, एक सिंपल सी बात हुई है जो हो जानी चाहिए थी शायद पहले ही, MHRD का नाम बदल करके हो जाएगा एजुकेशन मिनिस्ट्री, रीनेम कर दिया जाएगा। जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है आपकी, उसको बदल करके नाम रख जाएगा शिक्षा मंत्रालय या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री, और जो इसके मिनिस्टर हैं वो भी एजुकेशन मिनिस्टर कहलाएंगे। एक ये सिंपल सी बात है। अब जो स्कूलिंग फॉर्मेट है हमारा, 10+2 को हम फॉलो करते थे +3 आगे, है ना, मतलब 10वीं 10 साल में, फिर 2 साल 11 12th और फिर आपका ग्रेजुएशन 3 साल का। अब इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा किस एक सिस्टम से, न्यू फॉर्मेट क्या है, 3 चीजों के बारे में बात करेंगे जस्ट, बहुत ज्यादा सरदर्द नहीं आपका। 3 चीजें, एक तो ये न्यू फॉर्मेट जो स्कूल एजुकेशन का है, क्योंकि टीचर एजुकेशन को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि स्कूल में कैसे परिवर्तन हुए हैं, एजुकेशन में कैसे परिवर्तन हुए हैं। सीधा हम जंप नहीं कर सकते कि भैया टीचर ऐसे बनना है, बीएड होगी कि नहीं, है ना। तो समझेंगे न्यू फॉर्मेट, समझेंगे स्कूल का, फिर हायर एजुकेशन जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है, रिसर्च है, उस पर बात करेंगे, और देन हम टीचर एजुकेशन पर बात करेंगे क्योंकि ये टीचर एजुकेशन इन दोनों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बात ठीक है कि नहीं, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी पास ऑन होती है। और मुझे लगता है मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा ये, एक कंप्लीट टीचर एजुकेशन को भी जिसमें इंक्लूड किया गया है। मैंने भी सुबह से कई वीडियोस देखे, बट टीचर एजुकेशन की कोई बात ही नहीं करता, सबको बस स्कूली शिक्षा, स्कूली शिक्षा। भाई टीचर भी तो आएंगे, उनकी भी तो बात करो, वो कैसे आएंगे। खैर देखते हैं एक बार, अगर हम बात करें नए फॉर्मेट की, तो ये 4 stages में बांट दिया गया, जिसमें 12 साल की स्कूलिंग और 3 साल का आपका प्री स्कूल कह लीजिए उसे, प्लेवे कह लीजिए उसे, या फिर आंगनबाड़ी कह लीजिए आप उसे। ठीक, तो 15 साल का टोटल ये सिस्टम है पढ़ाई का, बट जिसमें 12 साल की स्कूलिंग और 3 साल का जो है वो प्री स्कूलिंग कह लीजिए आप या आंगनबाड़ी कह लीजिए। तो ये टोटल कंप्लीट जो फॉर्मेट है वो 15 साल का है। ठीक है बात, 5 साल तक एक सिस्टम जिसमें प्री प्राइमरी और प्राइमरी सेक्शन शुरू होगा, फाउंडेशनल ईयर्स कह रहे हैं, 3 साल का फिर, और 3 साल का और 4 साल का। समझेंगे इसमें क्या है। हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये हम तभी समझ पाएंगे जब इसको समझेंगे, और फिर टीचर एजुकेशन को समझते हैं एक बार, इस फॉर्मेट को समझ लेते हैं। ये फॉर्मेट है कुछ 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। फर्स्ट स्टेज है आपकी 5 years की, यानी कि 5 साल में क्या होगा, 3 से 8 वर्ष की उम्र होगी बच्चे की, 3 साल से हम शुरू करेंगे जो ECCE होता था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, वहां से 3 साल की उम्र से शुरुआत होगी। अब इन्होंने कहा कि भाई हमारी जो शिक्षा है, हम 6 साल के बच्चे से तो फोकस कर रहे हैं, उससे पहले बच्चा बहुत हद तक विकसित हो जाता है, उसकी जो मानसिक क्षमताएं हैं या फिर बाकी जो स्किल्स हैं वो उसके लिए बहुत प्रोमिनेंट टाइम है, वो जो 3 से 6 वर्ष का है या जन्म से 6 वर्ष का है, तो उस पर फोकस किया जाए एटलीस्ट, स्पेशली 3 to 6 years। तो अब फोकस किया जाएगा 3 to 6 years पर भी। पेरेंट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस होंगी कि 3 साल तक आप उसको केटर करो बच्चे को, और 3 से 6 वर्ष में या तो प्रिपरेटरी स्टेज मतलब उसको प्ले स्कूल भेजो या फिर आंगनबाड़ी या कुछ इस तरीके का प्रावधान है, मतलब 3 साल से अब एजुकेशन शुरू है। ठीक बात, अब 3 to 8 years का टाइम पीरियड है जिसमें 5 साल की बात हो रही है, क्लियर। फाउंडेशनल ईयर कहा जाएगा खेलते कूदते बच्चा, यहां
पढ़ पाएगा फर्स्ट सेकंड क्लास शुरू के 3 साल आपके, जिसको हम प्ले वे कह सकते हैं, इसमें 2 कैटेगरीज हैं, और फिर फर्स्ट सेकंड क्लास आपके यहां करेगा, खेलते कूदते करेगा, कोई बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं रहेगा, प्ले मेथड को अपनाएंगे या जिसको भी अपनाना चाहेंगे, और 3 साल से जो है आपका क्या शुरू है कहानी, आपकी प्रेपरेटरी, सॉरी प्ले वे बोल रही हूँ, प्ले वे होना चाहिए, मैं बार बार प्रेपरेटरी बोल रही हूँ, ठीक है। फिर 3 साल का आपका सिस्टम है, 3 साल का सिस्टम किस चीज के लिए, नेक्स्ट जो स्टेज है 8 से 11 वर्ष की, अब बच्चा क्या है, थर्ड क्लास में है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ कह सकते हैं हम, तो फिफ्थ क्लास तक, थर्ड से फिफ्थ प्रेपरेटरी स्टेज कह दिया हमने, अब आप इसको थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं, खेलकूद में पढ़ाई लिखाई भी करा रहे हैं। फिर अगले 3 साल आए, भाई 5वीं तक तो यहां तक खत्म हो गई ना कहानी, अब 6th से कहानी शुरू हुई, 11 साल से 6th 7th 8th मिडल स्कूलिंग इसको कह दिया हमने, और यहां आप उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं टॉपिक्स से और उसके इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, स्पेशली इंटर्नशिप वगैरह का भी प्रावधान है, मतलब हम चाह रहे हैं बच्चा जब स्कूल से निकले तो किसी एक क्षेत्र में एटलीस्ट स्किल्ड हो, कोई एक स्किल तो उसको बहुत अच्छे से आती हो, अगर उसको अब कोई कंप्यूटर या ग्राफिक्स का कुछ करना है तो वो कंप्यूटर्स भी पढ़े, कोडिंग भी पढ़े, और कुछ अगर उसको इंटर्नशिप करनी है तो कहीं जाकर के कर ले, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, सिर्फ थियोरी से काम चलेगा नहीं, है ना। फिर है आगे के 4 साल, 9th 10th 11th और 12th, ठीक है, 14 से 18 वर्ष क्रूशियल होते हैं बहुत ज्यादा और प्रेशर भी रहता है ना, 9th 10th 11th और 12th सेकेंडरी स्टेज है, सिंपल है बात। यहां बहुत बड़ा मेजर चेंज ये है कि कह सकते हैं कि सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगी, ये नहीं होगा भाई ये साइंस वाला है, पता नहीं कौन सा दिमाग लेकर के पैदा हुआ होगा, साइंस ली है ना, वो वाला खेल नहीं होगा जो 11th के बाद शुरू हो जाता था, और यूपी बोर्ड जैसी जगह पर तो 9th 10th से शुरू हो जाता है, ठीक है बात। तो 9th 10th 11th 12th की अगर हम बात करें तो बच्चे के पास ऑप्शन होगा, मतलब पूल है एक सब्जेक्ट्स का जो वो चूज कर सकता है, एक पैकेज होगा या जो भी, अभी ये चीज क्लियर होना बाकी है क्योंकि आपका एनसीएफ आएगा स्कूल के लिए भी, और भी कुछ चीजें भी आनी बाकी हैं, डॉक्यूमेंट्स फाइनल, ठीक है बात। तो इसमें चेंजेस हो जाएंगे, वो जो आर्ट कॉमर्स और साइंस की जो स्ट्रीम थी रिजिड, वो बिल्कुल उसको उस तरीके से ना रख के चेंजेस लाए गए हैं कि अगर साइंस वाला बच्चा कुछ ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहता है, आगे उसको फ्यूचर में क्या करना है उसके हिसाब से, तो वो ले सकता है, है ना। तो आप इंटरेस्ट के सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जो शायद बाहर पहले से हो रहा था, हम धीरे धीरे अपना रहे हैं चीजें, है ना। तो ये एक पूरा सिस्टम रहा किसका, स्कूलिंग का, ठीक है बात। यहां तक की बात होपफुली क्लियर होगी, कोई समस्या हो यहां तक तो बता दीजिए, और कोई पॉइंट अगर रह गया हो तो इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है बात। इवन ये कहा गया है कि असेसमेंट का भी एक पूरा स्टैंडर्ड अलग बनाया जाएगा, 360 डिग्री असेसमेंट होगा, जिसमें बच्चा खुद को, यानी सेल्फ असेसमेंट का एक कॉलम होगा, उसका पीयर ग्रुप यानी जो उसके सहपाठी हैं वो उसको असेस करेंगे, टीचर उसको असेस करेगा, और बहुत सारी करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज के बेसिस पे उसका पूरा एक रिपोर्ट कार्ड बनेगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसको एक साल में एक बोर्ड एग्जाम हुआ और उसके बेसिस पे जज कर लिया जाए, सेमेस्टर वगैरह को फॉलो किया जाएगा और एक्टिविटीज को, सारी चीजों को, बेसिकली वो जो फियर फोबिया है ना एग्जाम का, उसको कुछ हद तक खत्म किया जाएगा, और स्किल्ड बन पाए हम, बेहतर नॉलेजेबल बन पाए, सिर्फ साक्षर ना बने। देखते हैं हम कितना इसको पूरा कर पाएंगे, मैं और आप ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा हायर एजुकेशन की बात करेंगे सिर्फ 2 मिनट में, और फिर आएंगे टीचर एजुकेशन पे कि टीचर्स का क्या होगा, कैसे बनेंगे अब हम टीचर। हायर एजुकेशन की बात करते हैं, हायर एजुकेशन क्या है आपकी आफ्टर 12th कह सकते हैं। हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, उच्च शिक्षा जिसको हम कह रहे हैं, ग्रेजुएशन मतलब 12th के बाद मेरिट बेस्ड भी कुछ चीजें होंगी जो कि धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें अभी क्लियर नहीं भी हैं, और एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, कैट जिसको कह रहे हैं, कि व्यक्ति जो है वो दे पाएगा बच्चा और एडमिशन ले पाएगा उसके बेसिस पे, और भी बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं 12th के बाद, जेई वगैरह और दुनिया भर के होते हैं, तो एग्जाम्स रहेंगे, मतलब एंट्रेंस तो है, अब उसमें कितना परिवर्तन होगा वो धीरे धीरे देखने को मिलेगा, ठीक। अब जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं तब भी आपके पास मल्टीपल चॉइस है, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को उन्होंने अपनाया है कि आप कितने सारे डिसिप्लिन हैं, कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप चॉइस के सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, उसमें स्किल्ड हो सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज उसमें ले सकते हैं, और एक बहुत मजे की बात, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, मतलब ऐसा नहीं होगा मेरा लास्ट ईयर मन था कि साइकोलॉजी में मास्टर्स किया जाए और मेरा अगले साल इस साल मन बदल गया कि नहीं इसको तो फिर किसी और तरीके से करना है, ये स्पेशल चीज है, तो मेरा वो एक साल बेकार ना जाए, है ना। तो मेरे पास एक सर्टिफिकेट हो गया, भाई एक साल इन्होंने ये पढ़ा था और आगे इनके ये पॉइंट्स ऐड हो गए और ये आगे चाहें तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं या इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। एक साल पढ़ा तो आपको सर्टिफिकेट, 2 साल किया तो जो भी डिप्लोमा है उसका एक डिप्लोमा मिल गया, 3 साल की आपकी डिग्री होती है तो वो डिग्री मिल जाएगी, 4 साल अगर आप पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन में तो आप रिसर्च वाली डिग्री प्लस आपकी रिसर्च सर्टिफिकेट या आगे के लिए आप रिसर्च के लिए एलिजिबल हो गए, ठीक है बात।
इसके अलावा आप फिर तो रिसर्च करेंगे ही, आप 4 साल की अगर आपने पूरी ग्रेजुएशन खत्म किया 4 साल में तो आप रिसर्च भी करेंगे और ग्रेजुएट तो हैं ही, 3 साल में कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएट की डिग्री मिल जाएगी। ये एक बेसिक बात हो गई हायर एजुकेशन की। यहाँ पे भी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं, आप बहुत सारी चीजें कर पाएंगे, स्किल्स वगैरह पे काम कर पाएंगे। और अब यहां से बात कुछ कुछ निकल के आएगी कि मान लीजिए आपने कुछ और किया था, बीएससी कर लिया आपने, अब आपको टीचर बनना है और ये कह रहे हैं कि मिनिमम 4 साल चाहिए क्वालिफिकेशन बीएड की, तो क्या आप 4 साल की फिर से आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड करेंगे? जी नहीं, है ना, उसी को समझेंगे अभी। ठीक है, बात आते हैं आगे। बेसिकली अब मजा आएगा क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट्स जो मैं शायद आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूं, मे बी मैंने बहुत ज्यादा ना पढ़े हूं पहले, आज अपने इंटरेस्ट की वजह से पढ़ती हूं, तो वो एक ऑप्शन होगा हमारे पास कि हम सीखने के लिए सीख पाएंगे, है ना, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, तो मजा आएगा। देखते हैं एक बार, एनसीईआरटी विल डेवलप अ नेशनल करिकुलर एंड पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी एनसीपीएफ ईसीसीई, मतलब एक एनसीएफ डेवलप किया जाएगा किसके लिए, ईसीसीई के लिए भी, जिसको अब तक नेग्लेक्ट किया जा रहा था, एंटिटी करना भी नहीं चाहते थे कई लोग, जब नंबर कम आ जाते हैं तो कर लेते हैं मजबूरी में, अब उस पर फोकस रहेगा, कहीं ना कहीं उनको भी इंपॉर्टेंस मिलेगी और इस पर एक पूरा एक अलग करिकुलर फ्रेमवर्क आएगा जिसमें बात की जाएगी कि भाई जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको हम कैसे बेहतर तरीके से डेवलप करा सके, है ना, तो इसमें भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी ही आएंगी। एक तो बात ये हुई, आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, बात नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर्म टू बी क्रिएटेड, बहुत सारी चीजें क्रिएट होंगी और अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी से मत भागिए, पेडागॉजी से मत भागिए। अगर आप पेडागॉजी से बच रहे हैं कि आपके अंदर एप्टीट्यूड की कमी है और आप टेक्नोलॉजी से भी बच रहे हैं तो आप बन नहीं पाएंगे, है ना, या तो आप परेशान रहेंगे। ठीक, तो एक नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉरम बनेगा जिसके थ्रू टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जाए देश भर में एजुकेशन में और टीचर्स को भी और बच्चों के लिए भी बेहतर हो पाए चीजें, है ना। आगे बढ़ते हैं, आ न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर जिसको परख कह रहे हैं हम, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, आप बच्चे को असेस ऐसे करें कि सर्वांगीण विकास आप उसका जांच पाए, सिर्फ पेन पेपर टेस्ट नहीं, बाकी के जो सीसीई भी कहता था कि भाई करिकुलर प्लस को करिकुलर एरियाज पे आप फोकस कीजिए। ठीक है, बात तो एक अलग से सेंटर बनेगा जो देखेगा, एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी होगी कि भैया ये एटलीस्ट एक कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करो असेस करने में, ऐसा ही नहीं अपनी मर्जी से फेवरेट बच्चों को कुछ भी दे दिया। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं, कुछ मेन सी हेडलाइंस हैं, फिर हम टीचर एजुकेशन पे आएंगे कि क्या है पूरा मांझरा। देखिए एक बार, नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट साइंस एंड करिकुलर एंड को करिकुलर, मतलब म्यूजिक की भी उतनी इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं है फिजिकल एजुकेशन लिया और फिर ड्यू में कंसिडर नहीं किया जा रहा उसको, ऐसा नहीं होगा, मतलब बेसिकली हर एक सब्जेक्ट की इक्वल वेटेज कह लीजिए इंपॉर्टेंस होगी और सारे ही सब्जेक्ट टीचर्स की भी फिर इंपॉर्टेंस होगी एक तरीके से, है ना, तो ये कह सकते हैं। क्या असर पड़ेगा करंट टीचर भर्ती पर, उस पर भी बात करेंगे। वोकेशनल इंटीग्रेशन फॉर्म, वही बात हमने की थी भाई, वोकेशनल एजुकेशन गांधी जी भी कह रहे थे, 6ठी क्लास से ही उनको कुछ वोकेशनल नॉलेज देना शुरू करो, ऐसा नहीं है कि हमारे घर में जो शायद प्लम्बर आए, हम बहुत कुछ पढ़ के भी हमें उससे कम नॉलेज हो उसके फील्ड में, तो हम बहुत सारे फील्ड्स में बेसिकली वोकेशनल नॉलेज, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए अगर हमारा मन है तो हम स्किल्स का यूज करके 4 पैसे भी कमा पाए, है ना। टीचर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट रिफॉर्म्स बाय 2023, ये बड़ी मजेदार बात है कि जो असेसमेंट में रिफॉर्म्स आने वाले हैं, आकलन में जो रिफॉर्म आएगा, परिवर्तन आएगा, भाई जब नेशनल बॉडी तैयार हो रही है कि असेस करने का तरीका ही बदलेगा, तो टीचर्स जो अभी हैं एजुकेशन में उनको भी क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा 2023 तक कि भाई इस तरीके से असेस करो, अब आप अपने तरीके में परिवर्तन लाओ, ट्रेनिंग देखे या जो भी करके। एवरी चाइल्ड विल कम आउट ऑफ स्कूल अडेप्ट इन एटलीस्ट वन स्किल, अडेप्ट मतलब बिल्कुल परिपक्व बन के निकलेगा, एटलीस्ट एक स्किल में वो अच्छा होगा जब तक वो स्कूल से निकलेगा, कुछ ना कुछ उसके हाथ में होगा उस स्किल से रिलेटेड। ठीक है, कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग होना चाहिए पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स में, इसलिए इन्होंने कहा है कि भैया तैयारी कर लीजिए सब जगह पर, टेट जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जरूरी हो जाएगा 2023 तक आई गेस, या फिर 2030 तक पक्का पक्का आपको टेट देना ही पड़ेगा, तो प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा नहीं है कि आप जुगाड़ से चले जाएंगे, पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स का जो स्टैंडर्ड है वो मैच होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पब्लिक स्कूल्स में कोई पढ़ाता नहीं है एक बार जाने के बाद, तो दोनों चीजें ध्यान रखने की कोशिश की जाएगी। देखो अगर 100% इंप्लीमेंट ना हो, अगर 50-70 कुछ तो होगा, तो परिवर्तन तो होगा एटलीस्ट, ये बात मैं भी जानती हूं और आप भी जानते हो कि ऑन पेपर्स और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में काफी फर्क होता है, और शायद
हमारे देश में हर क्षेत्र में ये चीज देखी जा रही है, बट जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे उस गैप को कम कर रही है ना। देखो एक बार, कोई बात नहीं, नेगेटिव लोगों को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, आपके काम की चीजें हैं उनको देखिए, है ना। मैं और आप अगर रात को 11:30 बजे जुड़े हुए हैं तो काम के लिए जुड़े हुए हैं, है ना। देखिए एक बार, टीचर एजुकेशन की अगर बात करें, यानी कि जो शिक्षकों की शिक्षा कह सकते हैं आप, डाइट, बीएड, बीटीसी और दुनिया भर के कोर्स हैं देश में, बीएलएड, है ना। तो टीचर एजुकेशन की अगर बात करें तो इसमें क्या परिवर्तन होगा, तो एक बात कही गई है कि कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट तैयार होगा, एनसीएफटीई, यानी एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, जो 2009 में आया था, उसके भी बहुत सारे रिकमेंडेशंस को अभी इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि सारे इंप्लीमेंट ही नहीं हुए। अब यही सोच लो कि ये अभी 2020 में आ रही है, पता नहीं किस जमाने में जाके पूरी तरीके से इंप्लीमेंट होगी, बट होप फॉर द बेस्ट। एनसीएफटी 2021 में बनेगा, टीचर एजुकेशन के लिए एक अलग से करिकुलम डॉक्यूमेंट आएगा प्रॉपर, जिसमें बहुत सारी गाइडलाइंस होंगी और बहुत सारी चीजें तभी क्लियर होंगी। एनसीएफटी आपका एनसीटी फॉर्मुलेट करता है और करता आया है, और जो स्कूल एजुकेशन के लिए एनसीएफ बनता है वो एनसीईआरटी बनाएगा, ठीक है बात। 2021 तक आएगा, 2030 तक, ये बात बहुत ही प्यारी है जिसको आपको समझना चाहिए, ये आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालेगी, क्योंकि आप सभी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां तक है। 2030 तक मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी अ 4-year इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री, मतलब 4 साल का एकीकृत जो है वो शिक्षा में आपकी एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए, बीएड 4 साल की एटलीस्ट, 2030 तक ये चीज कंपलसरी हो जाएगी। अब क्या करें, मतलब आज वाले कहां जाएंगे, यही सारे सवाल है ना। देखते हैं एक बार, 2030 तक 4-year बीएड डिग्री कंपलसरी, इंटीग्रेटेड मतलब इसमें ग्रेजुएशन प्लस आपकी ट्रेनिंग होगी, 4 साल की ट्वेल्थ के बाद आप इंटीग्रेटेड बीएड करेंगे, जो बातें बहुत दिन से उड़ती हुई चल रही हैं, और अभी भी कुछ कोर्सेज हैं बीएलएड जैसे जो आते हैं इस तरह के, बट वो गर्ल्स तक ही लिमिटेड हैं, है ना। अब इसमें क्या करें, देखो 2030 तक एक बात कही गई है कि 2030 तक अपना सारा सेटलमेंट कर लो, और अगले 20 साल में खूब भर्तियां देखने को मिलेंगी, जहां तक है जो मुझे समझ आया पढ़ के, कि भाई पूरा, क्योंकि आपका ऐसा नहीं होगा कि टीचर्स की कमी है कहीं तो वैसे ही चल रहा है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके आपकी सैलरीज से लेके आपके टीचर रिक्रूटमेंट से लेके सब पे प्रभाव पड़ेगा, और चीजें थोड़ी बेहतर होंगी। अभी जितना पता चल रहा है 1.5-2 साल बाद सीटेट हो रहा है, तो चीजें बेहतर होंगी, और टेट्स भी बेहतर क्वालिटी के होंगे, उनके सिलेबस चेंज होंगे 2011-20 तक, अभी वही चल रहा है सीटेट में भी, तो सिलेबस में परिवर्तन आएगा, बेहतर क्वालिटी का बनेगा, और हर किसी के लिए हर एक स्टेज पे, वो जो 5+3+4 है, सभी स्टेजेस पे टेट क्वालिफाई करना होगा, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी। और धीरे धीरे स्थिति ये आ जाएगी कि हम जो पैरा टीचर्स हैं 2030 तक, उनकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, और जैसा मुझे लगता है कि उनको हटाई दिया जाएगा 2030 तक, बट जब तक कुछ ना कुछ प्रोसेस हो जाएगी, या तो या फिर वो डिले हो जाएगा, जो कि होता ही रहता है देश में हमारे, है ना। तो एक ये बेसिक सी बात है उसमें, 2030 तक है बट वो कहानी। अब अगर हम बात करें तो ये बीएड 2030 तक क्या होगा, 1 साल की भी बीएड का ऑप्शन होगा, 4 साल की भी बीएड का ऑप्शन होगा, और 2 साल की भी बीएड का ऑप्शन होगा। ये 4 साल वाली तो आपको पता है, 12th के बाद आप कर लेंगे। 2 साल वाली किसके लिए है, मान लीजिए आपने कोई और 12th के बाद एक जो हायर एजुकेशन का सिस्टम है उसमें आपने एडमिशन लिया था, आपने बीटेक की या आपने कुछ और किया, अब आपका मन किया कि यार ग्रेजुएशन कर ली, चलो टीचर बन जाता हूं, अचानक से आपने बीएड नहीं किया इंटीग्रेटेड, तो आप वो जो 2 साल का आपका, सॉरी 1 साल का जो आपका बीएड है वो स्पेशल है। किस केस में, या तो आपने 4 साल का या 3 साल का जो भी आपने एक उस टाइम का ग्रेजुएशन किया हो, या फिर मास्टर्स हो आप किसी एक स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट में, तब आपके लिए 1 साल का बीएड भी अवेलेबल होगा। कौन कराएगा, यही कराएंगे 4 साल का जो होल्ड करा रहे हैं बीएड के कॉलेजेस। 2 साल का किन के लिए है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जिन्होंने ग्रेजुएशन आज कर लिया, उनका मन करे 50 साल बाद बीएड करने का, या फिर और भी कुछ लोग होंगे जिनकी 3 साल की डिग्री होगी नॉर्मल, तो उनको बीएड करना है तो 2 साल का होगा ही। तो ये वो केस हैं जो 2 अलग केस हैं, तो ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा। तीसरी एक बात, जो अपने डाइट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स होते हैं एजुकेशनल ट्रेनिंग के टीचर्स के लिए, वहां पे ये जो अपने 2 साल वाले कोर्स है ना, जैसे ये डाइट और ये सारे, इनमें अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये बात उसमें लिखी हुई है कि जो लोकल लोग हैं उनको कुछ स्पेशली म्यूजिक इन सब की ट्रेनिंग के लिए उनको यूज किया जाएगा। वहां ऐसा नहीं लिखा गया कि वो जो 2 साल वाली चीज है उसको 12th के बाद किया जाएगा। ये 2030 तक की बात कर रही हूं मैं, अभी की नहीं, तुरंत, ठीक। तो वो एक चीज होने वाली है, क्योंकि फिर वो ये बात तो है कि मिनिमम 4 साल की बीएड की इंटीग्रेटेड डिग्री, या फिर आप ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं शायद, अभी डोंट कोट मी ऑन दिस,
बट प्रोबेबिलिटी है कि जो वो डाइट वाइट वाला सिस्टम है उसको छेड़ा जाएगा कुछ ना कुछ, लेकिन लॉन्ग टर्म में, अभी नहीं, तुरंत कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये एक बेसिक बात है। अब जिनको समस्या हो, जिनको बहुत ही ज्यादा दर्द हो ये बातें सुन के, वो ध्यान से पढ़ें डॉक्यूमेंट, सिंपल वही बात है, है ना। इसके अलावा ये कहा गया है कि भैया प्रोफेशनली प्रोफेशनलिज्म ज्यादा आएगा टीचिंग में, ये कह सकते हैं। आपकी जो सेमिनार्स हैं, आपकी ट्रेनिंग्स हैं, इवन 50 घंटे आपको प्रॉपर अपनी ट्रेनिंग में या खुद को बेहतर करने में, अपनी पेडागॉजी को बेहतर करने में देने हैं साल में, चाहे आप टीचर हैं चाहे आप प्रिंसिपल हैं किसी स्कूल के। मतलब प्रोफेशनलिज्म अच्छा खासा आएगा क्योंकि आपके पास काम भी ज्यादा होगा, ऑनलाइन एजुकेशन भी आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बाकी सर्विसेज हैं, जो टीचर्स को बिल्कुल सर्वे बनाने, सर्वे करने में, इलेक्शन करने में और दुनिया भर की सारी चीजें टीचर्स करते हैं, उस पे भी फोकस किया गया है कि भैया उससे हटाओ थोड़ा सा, लिखा हुआ है ये बिल्कुल क्लियरली, तो देखते हैं कितना हट पाते हैं। इसके अलावा ट्रांसफर्स जो हैं, वो एक्सेसिव ट्रांसफर जो है, बिल्कुल जो धुआंधार ट्रांसफर चल रहे हैं, मन किया इसको इधर से, ये किया वो किया, जुगाड़ लगाया या जो भी हुआ, या किसी का मन किया, आपने किसी से पंगे ले लिए तो आपका ट्रांसफर, तो ये थोड़ा सा कम किया जाएगा, एक्सेसिव ट्रांसफर्स को कम किया जाएगा, ताकि टीचर्स कम्युनिटी के लिए भी तो एक रिसोर्स है ना, तो कम्युनिटी से भी जुड़ सकें, बच्चों से भी जुड़ सकें, बच्चे उनको रोल मॉडल की तरह देख सकें, और ऐसा ना हो यार हर 6 महीने में टीचर बदल रहा है और बच्चे भी कनेक्शन ही नहीं बना पा रहे हैं। तो एक्सेसिव ट्रांसफर, ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर नहीं होगा, बट हद का ट्रांसफर या रोज ट्रांसफर आप अपनी मर्जी से नहीं करा पाएंगे, ऑनलाइन पूरा प्रोसेस होगा और स्पेशल केस में ही ट्रांसफर होगा, या जो भी एक उस एक संस्था का अपना एक मॉड्यूल होगा उसके अनुसार आपका ट्रांसफर होगा, ठीक है बात। पेडागॉजी और कंटेंट पर पकड़, वही मैंने कहा, आपकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी और पेडागॉजी कंटेंट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी, ठीक। तो आपकी टीचिंग स्किल मैटर करेगी, ऐसा नहीं है कि आप स्कूल में टॉपर थे और अब आपसे पढ़ाया नहीं जाता तो आपको मान लें कि बड़े अच्छे होंगे आप, वो नहीं चलेगा। तो ये एक बेसिक सी बात हुई, होपफुली ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। जो NCF है स्कूल के लिए, जो 2005 में आया था आपका, वो 2020-21 तक रिवाइज हो जाएगा और उसमें बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी, और जो आपका NCFTE है जो 2020-22 तक आना है उससे भी हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, 2021 तक आना है उससे भी हमें और ज्यादा डिटेल में चीजें पता लगेंगी। टीचर्स के लिए डेमो और इंटरव्यू का प्रावधान है, और ऐसा नहीं होगा कि वो इंग्लिश में ही होगा, वो लोकल लैंग्वेज की भी आपकी कॉम्प्रिहेंशन चेक करने के लिए होगा। जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, अच्छे मींस एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, विलक्षण हैं, गिफ्टेड हैं, जो भी हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान होगा 12th के बाद। फीमेल्स के लिए भी स्पेशल प्रावधान है कि वो अपने लोकल एरिया में उनको एडमिशन दिया जा सके या उनको स्कॉलरशिप दी जा सके, और बाद में उनकी जॉब भी आसपास अवेलेबल हो जाए, उनको मिल जाए, ताकि वो अपनी लोकेलिटी में ही रहें और लोकल रोल मॉडल्स बन सकें वो स्पेशली। और जो रूरल एरियाज में है या बैकवर्ड एरियाज में, उनकी सैलरी, उनका उनका जो हाउसिंग, मतलब बेसिकली जो क्वार्टर्स वगैरह हैं, उन सब पे भी उनको ज्यादा क्या कहें, फाइनेंशियली भी आई थिंक बेहतर उनको, उनके लिए करने की कोशिश की जाएगी, है ना, क्योंकि वो उस क्षेत्र में है जहां शायद आप और मैं चाहते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहना चाहें, मे बी ऐसा, है ना। तो रूरल एरिया में जो लोग हैं उनको इंपॉर्टेंस दी जाएगी इस चीज के लिए, और जो बेहतर, जो आपका नवोदय विद्यालय हैं या फिर और भी फ्री बोर्डिंग स्कूल्स खोले जाएंगे जिनमें क्वालिटी एजुकेशन हो, बिल्कुल आपके NVS जैसी, कस्तूरबा गांधी जो गर्ल्स के लिए वो होते हैं स्कूल्स, उनको और बेहतर किया जाएगा। मतलब बहुत सारे परिवर्तन, अंधे परिवर्तन होने वाले हैं ये कह सकते हैं हम। तो अपने आप को तैयार कर लीजिए, अब टीचिंग वो प्रोफेशन नहीं रहेगा कि भैया 4 घंटे की 6 घंटे की नौकरी है और एक बार पेपर दे लो और निकाल लो किसी तरीके से, फिर तो जिंदगी भर ऐश ही ऐश है। ये जो ऐश ही ऐश है ना, या ये जो स्वेटर बुनना है उसमें मजा नहीं आ पाएगा अब। तो ठीक है, अगले 1-2 साल में अगर आप सेटल हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज तो उसके बाद तो आपको काम तो करना होगा अच्छे से, है ना। एक और चीज है रोबस्ट टीचर रिक्रूटमेंट एंड करियर पाथ, बिल्कुल कठोर रूप से अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंसी आए और आपका रिक्रूटमेंट बेहतर ही होगा। मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आने वाली हैं, जब तक अगले 20 साल में हम बहुत ज्यादा स्कूल नहीं बना लेते, बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट नहीं कर लेते, तब तक तो भरपूर अपॉर्चुनिटीज होंगी, है ना। अ कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए भी एक स्टैंडर्ड सेट होगा जो कॉमन होगा पूरे देश में, कि भैया एटलीस्ट अगर आप ये स्टैंडर्ड मीट कर पा रहे हो, ऐसा नहीं है आपको 10 साल हो गए जॉब में तो चलो आपको प्रमोशन दे देते हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे चीजें होंगी, उसके बेसिस पे आपका प्रमोशन से लेके, इवन अगर आप बेहतर कर रहे हैं, एक्सेप्शनल टीचर हैं, तो आपको मौका दिया जाएगा कि आप किसी एक क्षेत्र में जाकर के मिनिस्ट्री तक पहुंच पाए उस पद को लेकर के, या आपका जो पदोन्नति है उस तरीके की हो पाए अगर आप एक्सेप्शनल हैं तो मतलब कह सकते हैं जो बेहतर लोग हैं भाई, जो IIT IIM में जाने की कोशिश कर रहा है वो क्यों नहीं जा सकता टीचिंग में, क्योंकि उसे वो ग्रोथ नहीं दिखती। तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ की भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी, बेहतर लोग, ज्यादा मोटिवेटेड लोग, ज्यादा इच्छा रखने वाले लोग शायद एजुकेशन में हमें देखने को मिलेंगे समय के साथ, ठीक है। मजबूरी में टीचिंग नहीं
करेंगे, ऐसे लोग शायद हम देख पाए। तो अभी एक स्टैंडर्ड सेट होगा टीचर्स के लिए भी कि भैया एटलीस्ट इतना प्रोफेशनलिज्म हो, इतनी एबिलिटी हो। एनसीईआरटी और एससीईआरटी के टीचर्स से, बहुत सारे लोगों से फीडबैक लिया जाएगा। इवन ये जो ड्राफ्ट है आपका एनईपी का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, 2019 में जब आया था, लाखों लोगों ने इस पर सुझाव दिए हैं, बहुत सारे इसमें परिवर्तन भी हुए हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। ये बहुत अमेजिंग सी चीज लगी, कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। मतलब टीचर्स को एक सीपीडी से गुजरना होगा। सीपीडी क्या है? 50 घंटे का कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसमें आपको कुछ ऑनलाइन माध्यम से भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी एज टीचर्स, ऑफलाइन तरीके से भी आप सेमिनार्स और ये सारी चीजें तो होती ही हैं, ताकि टाइम टाइम पे जो भी नए पेडागोजिकल मेथड्स आ रहे हैं, वेज आ रहे हैं, आप सीख सकें, आप इन्वॉल्व हो सकें, आप जिंदा रहें, मर ना जाएं एक बार नौकरी लेकर के, है ना। मरने से मेरा मतलब एग्जैक्ट मरना नहीं है, यहां पे समझिएगा कॉन्टेक्स्ट को, मतलब बिल्कुल खत्म ना हो जाए समय के साथ, ऐसा ना हो आप खर्च हो चुके हो और अब आप में एनर्जी ना बचे, वैसा नहीं होना चाहिए। समय समय पर इनोवेशन और पूरी चीजें, बेसिकली टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा, नए नए मेथड्स को यूज किया जाएगा, आप बेहतर तरीके से सिखा पाएं, बेहतर सीख पाएंगे तभी सिखा पाएंगे, है ना। तो वो एक चीज है ना, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ कुछ चीजें, इवन प्रिंसिपल्स के लिए भी, उनके अंदर भी लीडरशिप स्किल्स आए, तो टीचर्स और प्रिंसिपल्स दोनों के लिए 50 घंटे का आपका ये रहेगा काम। खैर, अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहेंगी, थी और रहेंगी, है ना। माय फादर यूज टू से कि नौकरी हमारे समय में भी मुश्किल थी, आज भी मुश्किल है और कल भी होगी, लेकिन लोग तब भी लेते थे, आज भी लेते हैं और कल भी लेंगे। तो बहुत ही लॉजिकल बात है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ये कहे कि अब तो भैया नौकरी नहीं मिलेगी या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लोग ही ले रहे होंगे आपके जैसे, उनके अंदर भी फ्लैश एंड ब्लड ही होगा। ऐसा नहीं है कोई मार्स से आएगा वो, उसको नौकरी मिलेगी, है ना। तो ये आप ही के लिए बनाया गया है, इसमें ही बेहतर करना है और सीखना है, है ना। खैर, कोई और समस्या हो तो बताओ, कोई और समस्या हो तो बताओ, कुछ और कोई डाउट रहता हो, यही थी मेरी पूरी कहानी। और इतनी चीजें थी मेन मेन जो आपको डिस्कस करनी थी, अदरवाइज तो कहानियां तो इसमें बहुत हैं, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, जितना चाहे आप पढ़ सकते हैं। और कुछ चीजें टीचर एजुकेशन में या फिर आपका इसमें स्कूलिंग में और डिटेल में पता लगेंगी जैसे जैसे ये डॉक्यूमेंट सामने आएंगे हमारे सामने। ये 2021-22 से लागू होगी अगर आ जाती है प्रॉपर तरीके से, जो कि उम्मीद है आएगी ही, और तब तक चीजें ऐसी चलेंगी। इस बार के सीटेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन जो आपका टेट है, स्पेशली ये भी कहा गया कि अगर आप सब्जेक्ट टीचर है, मान लीजिए जैसे पीजीटीज होते हैं, तो सब्जेक्ट टीचर के लिए या तो आपको एनटीए या फिर आपका टेट एग्जाम, आपका स्कोर भी देखा जाएगा उस सब्जेक्ट या फिर टेट में, अगर आप सब्जेक्ट टीचर बनना चाह रहे हैं तो। सभी लेवल्स पर टेट आपका कंपलसरी होने वाला है, तो इतनी तो एटलीस्ट। और फिर आप देखते भी हैं कि वो टेट आपके एप्टीट्यूड को चेक करता है, है ना। ठीक है बात, वैकेंसी बढ़ने का चांस नहीं है, बढ़ेगी ही, हर हालत में बढ़ेगी ही, क्योंकि इतने सारे स्कूल्स बन रहे हैं, इतने सारे टीचर्स को, जब पैरा टीचर्स को धीरे धीरे हटाया जाएगा तो उनकी जगह कौन लेगा? परमानेंट टीचर्स लेंगे। और वैसे भी इतनी सारी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, ये जो 2 करोड़ बच्चे आ रहे हैं स्कूल में ड्रॉप आउट्स और ये इन सबको लेकर के आ रहे हैं, इनको कौन पढ़ाएगा? टीचर्स ही पढ़ाएंगे। तो टीचर्स तो वैसे ही अभी भी कम है देश में रेशो, बाद में तो और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और अब इनके ऊपर कंपल्शन भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 5 साल पहले वैकेंसी निकाली अब आई ही नहीं रही, तो जहां तक है वैकेंसी जल्दी भी देखने को मिलेंगी हमें जल्दी जल्दी, बट ये चीज 1 साल के बाद ही कहीं लागू होनी शुरू होगी। अभी तक तो आप 2020 में अपनी जैसे तैयारी कर रहे हैं वैसे करिए, इस बार का केवीएस अच्छे से निकाल दीजिए अगर डर लग रहा हो उससे तो, है ना। तो तैयारी करते रहिए। यही एक छोटा सा मेरा एक डिस्कशन था, जिसमें काफी टाइम भी लगा सही इन्फॉर्मेशन निकालने में। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें ना करें, बट शेयर जरूर करें, जो भी पढ़ रहे हो एजुकेशन सिस्टम में, हो पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, कुछ भी हो, लर्नर्स हो, है ना। और अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही। कोई और आपका सवाल या सुझाव हो, या आपको कैसी लगी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपका क्या विचार है इसके ऊपर, है ना। देखो, कई लोगों को ये समस्या होगी कि वो जो डेमो है या इंटरव्यू है उससे क्या करप्शन बढ़ेगा। देखो, टीचिंग में इंटरव्यू मुझे भी लगता है कि कंपैरेटिवली ज्यादा जरूरी है बाकी फील्ड से। ऐसे कई लोग हैं जो बहुत अच्छा, इवन मैं जानती हूँ पर्सनली, मेरी फैमिली में बहुत सारे टीचर्स हैं, लोग हैं ऐसे जो शायद एकेडमिक्स में बहुत अच्छे थे, अगर उनसे 40 मिनट पढ़ाने को कहा जाए तो पसीने आने लगेंगे। और ये बात मैं अपने हर सेशन में कहती हूँ, मीटअप में भी, कि अगर टीचिंग में जाना है तो 1 घंटा ही पढ़ाओ यार, पढ़ाओ तो सही, किसी को फ्री में पढ़ा दो, आपको पता कैसे लगेगा आप में वो स्किल है भी कि नहीं है। तो इंटरव्यू का जो पॉइंट है, देखो करप्शन की बात रही, अगर स्टेजेस बढ़ती हैं तो ट्रांसपेरेंसी पे भी फोकस किया जाएगा कुछ हद तक, मे बी चीजें वैसे भी हों जैसे आप कह रहे हैं, बट अगर टेक्नोलॉजी को बीच में लाया जाएगा, वीडियो वगैरह शूट की जाएगी, तो फिर तो कम चांसेस हो जाएंगे कि करप्शन में या आपकी स्किल को छिपा दिया जाए। और फिर सबसे बड़ी बात, अगर आपने रिटर्न में भी अच्छा किया है, आपने इंटरव्यू में भी अच्छा किया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि
आपको ऐसे बाइफर्केट कर दिया जाए या साइड कर दिया जाए, है ना। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट, मेहनत भी कीजिए बेस्ट के लिए। आज के सेशन के लिए इतना ही मुझे लगता है काफी है, और परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर से वही बात याद रखनी है कि ठीक है यार, मिलेंगी नौकरियां, पहले भी मुश्किल थी, आज भी मुश्किल है, कल भी रहेंगी, बट तब भी लेते थे लोग, अभी भी लेते हैं और कल भी लेंगे, है ना। चलिए फिर, बट बीच में मत रहिए, रोते मत रहिए। कई लोगों को तो अब ये हो जाएगा, मम्मी ये हो गया, अब तो एजुकेशन पॉलिसी आ गई, अब नहीं बनाया जाएगा टीचर, तो ये तो बहाने हैं, फिर छोड़ ही दीजिए, मत कीजिए तैयारी, है ना। कम से कम बोल दीजिए क्लियर कि नहीं करनी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आप मुझे चाहें तो सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर तो काम की चीज़ें होती हैं, बेसिकली पीडीएफ वगैरह ही शेयर होती हैं। ये वाला डॉक्यूमेंट भी मैं शेयर कर दूंगी, ये वाली जो पीपीटी है आपकी, पीडीएफ है वो भी, ठीक है बात। आप सभी अच्छा लगा, आप रात को पूरे 12 बजे, आप 5,000 से ज़्यादा लोग, 6,000 लोग लगभग जुड़े हुए थे, बहुत खुशी की बात है। देखो 1:25 का जो वो है, वो स्पेशल एजुकेशन में भी बहुत सारी चीजें होने वाली है, इंक्लूसिव एजुकेशन पे भी इन्होंने बहुत जोर दिया है, तो हर फील्ड में टीचर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, चाहे वो आपका ECCE हो, चाहे वो आपका स्पेशल एजुकेशन हो, चाहे वो आपका स्पेशल एजुकेशन की भी जोन्स बनाई जाएंगी जहां 1:25 की बात हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो नॉर्मल आपका रेशो है वो भी उतना मेंटेन हो पाए, तो देश में बहुत कुछ है करने को। देखते हैं किस हद तक ये मैं और आप कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर पाते हैं देश के लिए, और ये कितनी ऑन पेपर से ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच में ये इसको हम फॉलो कर पाते हैं, ये समय के साथ ही पता लगेगा। और थोड़े बहुत केओस के लिए तैयार रहिएगा, थोड़ा बहुत सरदर्द जरूर होगा सभी का नई चीजों को समझने में, नए तरीके से पढ़ने में। NCF भी फिर से पढ़ेंगे जब नया आएगा, तो चेंज ऐसे नियम है जीवन का, ऐसे बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया एकदम, आज तो सत्संग की क्लास हो जाएगी, है ना। तो चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट, तो परिवर्तन तो कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। बी योर ओन कॉन्स्टेंट, अपने साथ बने रहिए, चेंजेस आते रहेंगे, और समय के साथ आप भी चेंज होने की क्षमता रखते हैं, ईश्वर ने आपको दिमाग दिया है, आप अडेप्ट कर सकते हैं कुछ भी, चाहे आपकी एज कितनी भी हो, आप टेक्नोलॉजी भी सीख सकते हैं, आप अगर हाउसवाइफ भी हैं तब भी आप पढ़ सकते हैं, टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, पैडागॉजी की स्किल्स सीख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं यार, है ना। सभी के पास तो भगवान ने एक दिमाग, दो आंखें, दो हाथ दिए हैं, ऐसा थोड़ा ना किसी के पास कुछ अलग है, तो खुद को इन्फीरियर फील करने का कोई फायदा नहीं है कि इसमें वो पास होगा जो ये करेगा, आप भी कुछ भी कर सकते हैं, सीखना ही तो है, तो सीखना तो हमारा बाय नेचर, हम सीख सकते हैं, है ना। टेक केयर, गुड नाइट। अपने सवाल और सुझाव जो भी हो वो आप कॉमेंट्स